इसलिए वो कहता है मैं 7 दिन के अंदर मैं तुम्हें हर एक बात का उत्तर दूंगा, हर बात का मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। आप अपने जीवन में 7 दिन के अंदर बड़े रिजल्ट को पूरे होते हुए देखोगे, आप देखोगे देखोगे। बस अपने काम करना है, उस बात के लिए धन्यवाद करते रहना है। ये 7 दिन आपके लिए ब्लेसिंग के, छुटकारे के दिन है। मैंने कहा ये 7 दिन, ये पूरा हफ्ता आपके ब्लेसिंग का, छुटकारे का दिन है। अपने हर दिन खुदावंद का थैंक्स करना है, उसका दिल से धन्यवाद करना है। अपने हाथों को उठाओ, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सब प्रार्थना करें उस खुदावंद के आगे, आज के दिन के लिए, सब बातों के लिए, उस होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। और दिल से अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए स्वर्ग की परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। और मांगे कि परमेश्वर मैं तो इस योग्य नहीं था, तेरी दया और प्रेम से मैं बचाया गया हूँ, बचाई गई हूँ, इसमें मेरा कोई कर्म नहीं है। परमेश्वर तेरा उपकार है, तेरी बड़ी दया है कि परमेश्वर तूने मुझे अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया और मुझे इस योग्य बनाया। मांगो मांगो खुदा से, मांगो मांगो मांगो, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला, वो सुनने वाला परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज भी आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आज भी आपको हर एक संकट से, हर प्रॉब्लम से, मुसीबत से वो छुड़ाएगा और बचाएगा। मैंने कहा वो बचाएगा। बाइबल कहती है यहाँ कहीं उसका आत्मा है, वहां पे आजादी है, परमेश्वर आपके बीच है। आज उसे पुकारो, पुकारो खुदावंद को पुकारो, क्योंकि बाइबल कहती है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। वो आपके बीच है और वो उत्तर देगा, आपकी हर एक परेशानी का वो हल करेगा, हर बोझ को वो हल्का करेगा। वो आपके मन की परिस्थितियों को, आपके मन के हालातों को वो जानता है, आपके मन में क्या है, आप किस चीज से परेशान हो, आपको क्या चाहिए उसे पता है। आज खुदावंद को बोलो, मैंने कहा बोलो बोलो बोलो। जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, अपने घरों में खुदावंद से अपने हाथों को उठाएं, उठाएं और अपने मन की बात आज खुदावंद के आगे रखें। आज अपने मन की बातों को खुदावंद के आगे रखो। मैंने कहा आगे रखो। मेरा विश्वास है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर परमेश्वर आपको आंसर देगा, उत्तर देगा। मैंने कहा हर बात को आज आप परमेश्वर के आगे रखो। 7 दिन के अंदर अंदर परमेश्वर जो चाहते हो परमेश्वर उसका उत्तर देगा, और निश्चय ये बात आपके जीवन में पूरी होने वाली है। मैंने कहा ये पूरी होने वाली है, ये बात स्वर्ग की ओर से है, खुदावंद ने आज आपको दी है। मैंने कहा ये बात स्वर्ग की ओर से और खुदावंद ने आज आपको दी है। जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, आज अपनी अपनी बात को, अपने अपने मसले को, अपनी अपनी प्रॉब्लम को, अपनी अपनी जरूरत को खुदावंद के आगे रखो, खुदावंद के आगे रखो। मैंने कहा खुदावंद के आगे रखो, रखो रखो, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा उत्तर देने वाला परमेश्वर है और वो आज आपको उत्तर देगा। मैंने कहा वो 7 दिन के अंदर आपको उत्तर देगा। आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, आप प्रेयर लाइफ में बढ़ना चाहते हो, आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको अपनी बीमारी से छुटकारा चाहिए, आप अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हो, आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हो, आप जो चाहते हो, आपके ऊपर कर्ज है, आप उस कर्ज से परेशान हो, आप जो चाहते हो आज विश्वास से, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कहा बाइबल कहती धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम पापी नहीं हैं। मैंने कहा हम पापी नहीं, हम धर्मी हैं। अलिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज खुदावंद के आगे
अपनी अपनी बात को रखें, अपने अपने मुद्दे को, अपने अपने मसले को रखें। आपका कोर्ट कचहरी का कोई केस है, आपका कोई हॉस्पिटल दाखिल है, आप हॉस्पिटल में आपका कोई अपना एडमिट है, जब कोई आपको दबा रहा है, सता रहा है, आपकी जैसी भी परेशानी है, आपकी जैसी भी परेशानी है, आप अपने पशुओं से परेशान हो, अपनी खेती को लेकर परेशान हो, जो खेती करते हैं, जो लोग किसान हैं, अगर आप खेती से परेशान हो, तो वो हमारा परमेश्वर वो है जो 5 रोटी और 2 मछलियों से भी 5,000 नहीं, वो 15 को भी रिजाने की ताकत रखता है। और वही बरकत आज अपने वचन के द्वारा आपके ऊपर वो पूरा करेगा। मैंने कहा वो पूरा करेगा, पूरा करेगा। मैंने कहा वो पूरा करेगा, पूरा करेगा। अपनी आज हर बात को खुदाबंद के आगे रख दो। आपको 7 दिन के अंदर आपको ये हर चीज का उत्तर आने वाला, यीशु मसीह के नाम से मैंने कहा उत्तर आने वाला है। रखो रखो, खुदाबंद के आगे रखो। जो जो बातें भी हैं, खुदाबंद ने आज इसीलिए आप को बुलाया और आप इस जगह पे खड़े हो और खुदाबंद आपके लिए बोल रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा उसमें किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जिस चाहत से, विश्वास से आप आए हो, आज खुदाबंद ने आपकी उस चाहत को, आपकी पुकार को, आपकी प्रार्थना को, आपकी मेहनत को उसने देखा और सुना है। इसलिए वो कहता है मैं 7 दिन के अंदर मैं तुम्हें हर एक बात का उत्तर दूंगा, हर बात का मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। आप अपने जीवन में 7 दिन के अंदर बड़े रिजल्ट को पूरे होते हुए देखोगे, आप देखोगे देखोगे। बस अपने काम करना है, उस बात के लिए धन्यवाद करते रहना है। ये 7 दिन आपके लिए ब्लेसिंग के, छुटकारे के दिन है। मैंने कहा ये 7 दिन, ये पूरा हफ्ता आपके ब्लेसिंग का, छुटकारे का दिन है। अपने हर दिन खुदाबंद का थैंक्स करना है, उसका दिल से धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ये वचन तूने मुझे अपने दास के मुंह से, जो तेरी ओर से स्वर्ग से आया है, तूने मुझे दिया है। क्योंकि बाइबल कहती जो वचन ऊपर से आता वो अच्छे फलों से लदा होता है, और जिस बात के लिए परमेश्वर अपना वचन भेजता है, यशायाह कहता कि जैसे बारिश जिस काम के लिए पृथ्वी पर पड़ती है वो व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर के पास नहीं जाती, उसी रीति से परमेश्वर ने कहा मेरा वचन है जिस बात के लिए मैं भेजता हूं वो निश्चय ही उस बात को, जब तक वो पूरा नहीं होता वो मेरे पास नहीं आता। मैंने कहा ये होने वाला है। मैंने कहा ये 7 दिन में आप बड़े रिजल्ट को देखने वाले हो। धन्यवाद करें हर बात के लिए। वो सर्वशक्तिमान है जिसने कहा मैंने बड़ी सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को बनाया, और हे मनुष्य तेरा काम मेरे लिए कोई भी बड़ा नहीं है। उसने कहा तेरा काम मेरे लिए कोई भी बड़ा नहीं है। मैंने कहा, उसने कहा मेरा तेरा काम मेरे लिए बड़ा नहीं है। अपने विश्वास को, अपने फेथ को बढ़ाओ, क्योंकि बाइबल कहती जो कोई भी उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपनी खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और बाइबल कहती है कि बिना विश्वास से हम उसे खुश नहीं कर सकते। अगर आज खुदावन आपको ये वर्ड दे रहा है तो आपने अपने जीवन से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खुश करना है। मेरा विश्वास है कि इस 7 दिन में, एक हफ्ते में परमेश्वर आपको हर बात का उत्तर देगा और आप बड़ी गवाहियों से खड़े होंगे। मैंने जानता आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन सी बीमारी है, आपको कौन सा गुप्त रूप है, आपकी बॉडी में किस तरह की परेशानी है, आप किस चीज से आप परेशान हो, पैसों से हो या किसी और चीज से हो, नशे के कारण परेशान हो, दुष्ट आत्मा के कारण परेशान हो, पर वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो अपना वचन आपके लिए भेज कर आपको छुड़ाता और बचाता है। मैंने कहा जो अपना वचन भेज कर वो आपको छुड़ाता और बचाता है। और 7 दिन के अंदर अंदर ये 7 दिन दिए हैं
परमेश्वर से पहले भी हो सकता, आपकी गवाही आज बने, आपकी गवाही आज रात बने, कल बने, कल शाम को बने, परसों बने, चौथ बने, सब एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके विश्वास के साथ ये सारे काम हो जाएंगे। मैंने कहा अपने आपके विश्वास के साथ ये सारे काम एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएंगे। अपने अपना बड़ा फेथ, अपने धन्यवाद को बढ़ाना है, अपने दिल से उस खुदाबंद का धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। मांगो खुदा से इस बात के लिए, उसका थैंक्स करो और धन्यवाद करो दिल से। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का अपने होठों से स्वागत करते हुए तालियों के साथ उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। ये सच में परमेश्वर तू महान है और तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा ना, वो आपको छोड़ेगा नहीं। जब तक कोई उसका इनकार नहीं करता तब तक वो किसी को नहीं छोड़ता। जब तक आप उसके साथ बने हो, उसकी दया आपके ऊपर है। मैंने कहा जब तक आप उसके साथ बने हो, उसकी दया आपके ऊपर है। बस एक एक काम करना, जैसे दाऊद कहता मैं अपने मन की बातें उसे खोल खोल के करता हूं। आज अपने मन की बातें खोल खोल कर कहो, जितने ऑनलाइन है। मैंने कहा जितने ऑनलाइन जो जहां पे अपने हाथों को उठाकर अपने अपने मन की बातें दाऊद के जैसे खोल खोल कर कहो। आपके मन में क्या क्या है, आपके जीवन में किस चीज की प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, घटी है, परेशानी है, हालात है, दुख है, दुष्टात्मा है, जो भी है, आज खुदावंत को बोलो। उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा उत्तर देने वाला परमेश्वर है, उसने वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसने ही हमें कहा है मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, और बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो तू अभी समझता नहीं मैं तुझे बताऊंगा। आज खुदावंत के आगे रखो उन सब बातों को, उन सब बातों को आगे रखो, और दाऊद के जैसे अपने मन को शांत कराओ। दाऊद के जैसे मैंने कहा अपने अपने मन को शांत कराओ, अपने मन को शांत कराओ, शांत कराओ। कुछ इनका मन दोष देता है, बाइबल कहती है अगर माना हमारा मन हमें दोष देगा तो हमें दिलेरी नहीं होगी, हमारे अंदर हियाब नहीं होगा कि ये काम खुदावंत कर सकता है। इसलिए दाऊद कहता अपने मन को शांत हो जा, चुप हो जा, मेरी आशा मेरे परमेश्वर से है। आज अपने अपने मन को शांत करो। मैंने कहा जितने लोग, अगर आप लंबे समय के विश्वासी हो या कितने दिनों के विश्वासी हो, आज अपने अपने मनों को शांत कराओ, चुप कराओ। दाऊद भी कहता मेरी आशा मेरे परमेश्वर से है। मैंने कहा दाऊद भी कहता मेरी आशा मेरे परमेश्वर से है, और उस पर आशा जो लोग करते हैं बाइबल कहती वो लज्जित नहीं होते, वो शर्मिंदे नहीं होते। जैसे भजन संहिता 34 जबूर की 4 में लिखा, 34 की 4 में दाऊद कहता मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, और मुझे सब मुश्किलों से, उन तकलीफों से, उन हालातों से उसने छुड़ा लिया। आज अपने अपने मन को खुदा के पास लेकर जाओ, भूल जाओ मैं आज कहां हूं, इस तरह से फील करो कि मैं और स्वर्ग में और मैं परमेश्वर के सामने हूं। आज इस रीति से फील करो खुदा मन को कि मैं, जैसे परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर आपके सामने है, आप इस रीति से अपने आप को फील करो। भूल जाओ अपनी परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम को, आज भूल जाओ, भूल जाओ, और इस रीति से फील करो, महसूस करो कि परमेश्वर मेरे सामने है, परमेश्वर मेरे सामने है। फील करो, फील करो, फील करो। जैसे दाऊद कहता मैं यहोवा के पास गया, वो ऐसा नहीं कि वो सीढ़ी लाकर स्वर्ग में चढ़ा है, वो अपने मन को परमेश्वर के पास लेकर गया। इसलिए वो कहता है उसने मेरी सुन ली, जितना औरों ने उसकी और दृष्टि की, उनके मुख उचले होंगे और उनके मुंह कभी काले ना होंगे,
वो शर्मिंदे ना होंगे। वो खुदावन अगर आपका भरोसा उसके ऊपर है, आपका शांस उसके ऊपर है, तो निश्चय ये 7 दिन आपकी बड़ी ब्लेसिंग के दिन, आपके बड़े छुटकारे के दिन है। मैंने कहा बड़े छुटकारे के दिन है। धन्यवाद करें दिल से, दिल से, दिल से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।